हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे पॉजिटिव फील कर रहे होंगे पॉजिटिव सोच रहे होंगे सो so, आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है कॉफी कप रीडिंग का उपयोग कर रहे हैं हम और इसमें आपको करना क्या है सिर्फ अपने पार्टनर का ध्यान करो आप एक बात तो अच्छे से जानते हो कि वो स्त्री हैं या पुरुष तो जेंडर को लेकर कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा यानी कि एनर्जीज पे थी और था पे नहीं यानी कि आपको अच्छे से पता है आपके पार्टनर थ्री स्त्री हैं या पुरुष ठीक है ये आप लोगों के लिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसमें मुझे जो भी आप लोगों के लिए आइडिया मिलता है या जो भी आप लोगों के लिए इंट्यूशन uh, आ रही हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी ये मोस्टली एक साइकिक रीडिंग ही होती है ठीक है क्योंकि कॉफी कप रीडिंग और कैंडल बैग्स रीडिंग एक साइकिक रीडिंग्स होती हैं ठीक है सो कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी और शुरू करने से पहले अपने पार्टनर का ध्यान करें ठीक है मैं से पलट रही हूँ आप इसका ध्यान कर लें अच्छे से चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को ओके okay. जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना वो व्यक्ति काफी स्ट्रांगली जेमिनी राशि एक्यूरस राशि स्कॉर्पियो राशि टॉरस राशि उसके अलावा ओके okay, मेष राशि के हैं यहाँ पर स्ट्रांगली वो एनर्जी दिख रही है नंबर थ्री नंबर नाइन बहुत ज्यादा दिख रहा है नंबर टू भी रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर फोर्टी फोर आई डोंट नो नंबर फोर्टी फोर क्यों दिख रहा है Uh, पता नहीं आप लोगों के कई कुछ स्पेशल नंबर्स होंगे ये पता नहीं क्यों नंबर 44 रिफ्लेक्ट हो रहा है बर्थ डेट्स तो नहीं हो सकती तो हो सकता है एक बर्थ नंबर ही फोर हो दो तो दो बार रिफ्लेक्ट हो रहा है या एंजल नंबर है जो आपको बार बार दिख रहा है तो फोर्टी फोर का रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग है ठीक है यहां पर मुझे कहीं ना कहीं दो मैरिजेस पता नहीं क्यों दिखाई दे रही है तो चांसेस है या तो आपके पार्टनर की या तो आपकी दो मैरिजेज होने के चांसेस है क्योंकि टू मैरिजेस दिख रही हैं एक सेपरेशन होकर दूसरा मैरिज होगा राहु काल की स्थिति बन रही है और यहाँ पर एनर्जी क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का ऐसा स्टेज जरूर आएगा और यह पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है आप लोगों के साथ ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है किसी तरीके का ऐसा स्टेज जरूर आएगा जिसमें आप लंबे टाइम का सेपरेशन फेस करेंगे एक दूसरे के साथ लेकिन वो सेपरेशन के बाद आप लोगों का जो पैचअप होगा वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन के साथ होगा हालांकि ये ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनने के बाद ठीक थोड़े टाइम के अंदर ही ये पैचअप जो है आप लोगों के बीच में स्ट्रांग बन जाएगा यानी कि आप लोग स्ट्रांगली रिकनसाइल करेंगे ये एनर्जी आप लोगों के रिफ्लेक्शन में आप लोगों की जोड़ी में दिख ही रहा है लेकिन ये जो सेपरेशन पीरियड है ये लंबा चलेगा सेपरेशन जरूरी नहीं कि लीगल पेपर्स पे ही हो आप लोगों के बीच में कोई ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिसके वजह से आप लोग लंबे टाइम का सेपरेशन फेस करेंगे और हो सकता है आप ऑलरेडी उसमें हैं सेपरेटेड एनर्जी में जिसमें आप दोनों एक दूसरे से शायद कनेक्ट नहीं कर रहे या बात ज़्यादा नहीं कर रहे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करते बहुत ज़्यादा अभिमानी है बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं ऐसी एनर्जी है कि ऐसे तो इनको दस लोगों के ऊपर जहाँ पर गुस्सा होना चाहिए वहाँ गुस्सा नहीं कर रहे लेकिन आपको बिना वजह ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हुए बिना वजह ही बोलते ना अपनी गलतियों के लिए भी आपको ब्लेम करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये व्यक्ति आपको पिछले लंबे टाइम से बहुत हर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको ये व्यक्ति की वजह से आप बहुत लंबे टाइम तक ड्रेंड हुए हैं यहाँ पर ड्रेंड एनर्जी है यहाँ पर देखो फुलफिलिंग एनर्जी है मैं इसलिए दिखाकर ही बात कर रही हूँ यहाँ पर एक फुलफिलिंग एनर्जी है यहाँ पर एक ड्रेनड एनर्जी है ये ड्रेन एनर्जी आपकी है जो कम्प्लीटली इन्होंने आपकी सोल का खिंचाव किया है सोल का खिंचाव यानी कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा बोलते हैं ना एक एग्जॉशन वाली एनर्जी दी है इतना स्ट्रेस दिया है कि आप उसके वजह से बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही एक एम्टीनेस को फील करने लगे अकेलेपन को महसूस करने लगे और उस अकेलेपन के वजह से ना आप हर दिन खुद को बोलते ना एक मरा हुआ इंसान मानने लगे समय दर समय के साथ आपकी सोल चेंज हुई है यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में एक बड़ा मेजर परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन आया है एक सोल ने आ, बोलते हैं ना एग्जिट लिया और दूसरी सोल ने एंट्री ली यानी कि आत्मा में बहुत बड़ा जो है अपने एक्सपीरियंसेस से या जो घटनाएं आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया उससे बहुत बड़ा घाव लगा आपको बहुत बड़ा घाव जिसमें आत्मा ने ठान लिया कि चलो हम अब खुद को बदलेंगे और वही परिवर्तन से आप गुजर रहे हैं हालांकि ये परिवर्तन कभी कभी आपको बेचैन कर देते हैं इन इस व्यक्ति के बारे में सोचकर कभी कभी आप बहुत बेचैन हो जाते हैं अचानक से आप इनको याद करते हैं बहुत मिस करते हैं और यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई कई बार ये व्यक्ति आपको ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं आप इनको लेट गो करना चाहते हैं प्रयास आपने पूरी चोटी का कर रखा है लेकिन कहीं ना कहीं आप वापस से इनके बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं इन्हें लेड गो कर पाना आपके लिए आसान नहीं है आपकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझने की जगह है आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे यह व्यक्ति आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको बोलते ना कि इंसल्ट करना या बहुत हर्ट करना आप अगर इनसे बात करना भी चाहे तो ये बात करने के टोन में बहुत अजीब होते हैं लाइक सही से बात नहीं करते सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते प्यार की एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों में बहुत अटूट रिश्ता रहा है तभी ही आप लोग दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक समय आप लोगों ने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा एंजॉय किया और मैंने आपको खुद ये भी बात कही कि फ्यूचर में आने वाले समय में आप लोग रिकनसाइल करेंगे जिसका मतलब ये है पर्मांट होगा हालांकि तब तक आप लोगों के बीच में थोड़े से ऑन एंड ऑफ की स्थिति जरूर बनेगी यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में किसी महिला की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी ये कोई महिला कोई भी हो सकती है आई डोंट नो आप लोगों को अच्छे से पता हो पर इस ईविल एक्टिव एक्टिविटी के वजह से या इस महिला के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी देर आर चांसेस कि ये महिला कोई इमोशनल स्टेटमेंट भी क्रिएट करेंगी क्योंकि इस महिला के मुझे हाथ में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ इमोशंस को कैरी कर रहे हैं या किसी बेबी को कैरी कर रहे हैं बेबी को साथ में अपने रख रहे हैं किसी बच्चे को मैं कहीं ना कहीं आसपास देख पा रही हूँ इस महिला के क्लियरली बाल बहुत खुले हैं तो थोड़ा सा ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है कि महिला या तो अपनी खूबसूरती से या इमोशन से आपके पार्टनर की और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके पार्टनर पिछले लंबे समय से डिस्ट्रैक्टेड हैं कन्फ्यूज हैं और ऐसा लग रहा है कि एक तो कन्फ्यूज है ऊपर से ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं और आपको झुकने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट की उम्मीद की जाती है टर्म्स एंड कंडीशन मानने की उम्मीद की जा रही है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी गलती तक नहीं मान रहे ऐसा लग रहा है कि झूठ बोलकर भी ये व्यक्ति आपके सामने विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं ऐसा एनर्जी है जहां पर ये आप ही को हर चीज़ के लिए दोषी मानने लगते हैं हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करने लगते हैं ये व्यक्ति पिछले लंबे समय से ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी ईगो को मेंटेन करके चल रहे हैं बहुत लंबे समय से आज की एनर्जी के एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आज के एनर्जी में ये बहुत ज्यादा इमोशनल है ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर देखो यहां पर ड्राइड एनर्जी है यहां पर देखो वेट एनर्जी है इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इमोशन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपके थॉट्स में है ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पिछले लंबे समय से और आपके साथ बिताए हुए वक्तों को बहुत याद कर रहे हैं जो वक्त इन्होंने बहुत स्पेशल आप लोगों के साथ बिताया है ऐसी एनर्जी ज़्यादा बन रही है जहाँ पर इन्होंने आपको लेकर बहुत मोटिवेटेड फील किया आपने इनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैपनिंग एनर्जी को भरा स्पाइस को भरा कहीं ना कहीं आपकी वजह से ये अपनी जिंदगी में हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर बलवान या बलशाली बहुत मानते थे कहीं ना कहीं आप इनकी स्ट्रेंथ हो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो आप ये भी कह सकते हैं कि आप इनका एडिक्शन हो या आप इनकी कमजोरी हो ये व्यक्ति इस बात को मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत महत्व रखते हो आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लव और इंटेंस एनर्जी को फील कर रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से ये एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर आज की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि इनके मन में बहुत सी बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं मन का हाल आप आपको बता देना चाहते हैं बताना चाहते हैं कि इनके लिए लाइफ जो है ईजी नहीं रही जब तक आप लोगों की बातचीत नहीं हुई तब तक इनके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस का इन्होंने सामना किया किसी तरीके की कि परेशानियाँ इनके फाइनेंशियल स्ट्रेस में तो आई लेकिन कोई लीगल एक्टिविटीज़ का भी इन्होंने सामना किया इसी तरीके के इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगे आइसोलेशन भी हुआ ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि यार ये चीज़ जो है मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रही और उस हर टाइम पे जहाँ जहाँ मैं गिर रहा था या गिर रही थी जहाँ जहाँ मेरे साथ चीज़ें ख़राब हो रही थी वहाँ हर वक्त मैं तुम्हें याद कर रहा था हर वक्त मुझे ऐसा लगता था कि यार तुम आसपास हो या तुम्हें मैं महसूस कर सकता हूँ इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये आपको फील करने का एहसास रखते हैं इनको लगता है कि ये आपको फील कर सकते हैं बहुत स्ट्रांगली ये आपके लिए बहुत इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से और ये पिछले कुछ घंटों से कह सकते हैं स्पेशली कुछ घंटों से आपको लेकर बहुत हैवी एनर्जी का सामना कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिमाग में ऐसे तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं दिमाग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है ये होना है वो करना है ये फलाना होना है बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मन में आप इतनी बुरी तरह से रिप्रेजेंट हो गए हैं कि ये अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है काम करने को लेकर भी थोड़ा सा आलस आने लगा है पिछले कुछ टाइम से काम में भी ध्यान नहीं है इसकी वजह से मन थोड़ा विचलित है डेस्परेट होने की वजह से मन थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है विचलित है ऐसा लग रहा है कि चांसेस है कि अगर ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट है तो इन दिनों ड्रिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं या तो हो सकता है ड्रिंक करने का सोच रहे हैं क्योंकि ये इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा उस सेंटिमेंट में है जहाँ पर ये रोना नहीं चाहते अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते रोते हुए लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को पिछले लंबे समय से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने गमों को भुलाने के लिए चांसेस है कि कोई ड्रिंकिंग या किसी एडिक्शन का सहारा लेंगे अब या तो ये बहुत सारा खाना होगा या तो ये ड्रिंकिंग होगी या तो इनका मेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पे आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ वाली एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और ये सी आपको स्टॉक भी करते हैं ये व्यक्ति की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है ये आपको लेकर हर दिन डेस्परेट ही रहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें जो इनके अंदर है या इनके मन में है वो इनको बहुत परेशान कर रही है बॉडर कर रही है, ये सोच विचार इस तरीके के आपके लिए एक मैग्नेटिक कनेक्शन एक पुल एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी जैसे इनको जीने नहीं दे रही इनके अंदर जो है इनकी आत्मा को हर दिन खींच रही है आपकी तरफ बहुत ज्यादा मार रही है ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे की आप पास लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का यहाँ पे कार्मिक एनर्जी भी आप रिप्रेजेंट हो रही है कार्मिक का मतलब ये है कि इस आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कार्मिक इवेंट हुए हैं बहुत सारे कार्मिक इवेंट कार्मिक इवेंट का मतलब यह हुआ कि आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज रही हैं जिसमें आप दोनों खुद ही एक दूसरे के लिए बहुत कड़वे हो चुके हैं बहुत ज्यादा आप भी इनसे इतने ज्यादा नाराज हो चुके हैं कि आपको लगता है कि शायद ही आप इनको मौका दे पाएंगे या शायद ही आप इन पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे यहाँ पर इनके बीच में भी यही हुआ ये भी बहुत लंबे समय तक आपसे नाराज रहे हैं बहुत लंबे समय तक इन्होंने आपको ईगो और बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल की एनर्जी दी है इन्होंने एकदम प्यार को त्याग करके इन्होंने आपको घमंड अहंकार ज्यादा दिखाया है यहां पर क्लियरली एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस काफ़ी क्रिएट हुई है बट अभी आपके पार्टनर इमोशनल बहुत ज़्यादा है इस टाइम इस टाइम पर वो येस आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा है और येस ये आपको देखते हैं सोचते हैं कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा इनके थॉट्स डीप थाट्स चलते रहते हैं जहाँ पर ये सोचते हैं कि पता नहीं वो व्यक्ति मेरे बारे में सोचता होगा कि नहीं पता नहीं इसको मेरी याद आती भी होगी या नहीं क्योंकि जिस तरीके का आपका जीवन देख रहे हैं ये ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ऊपरी तरीके से होता है ना कि ऊपर ऊपर से सामने वाला खुश दिख रहा है तो ये ऊपर ऊपर से जिस तरह आपको खुश देख रहे हैं इन्हें लग रहा है कि यार इसकी लाइफ जिस तरह बदल रही है या ये व्यक्ति जिस तरह बदल गया है उससे तो ये लगता नहीं है कि ये इंसान मुझे मिस करता होगा या मुझे याद करता होगा पर काश ये मुझे ही याद करे वो वाली एनर्जी है देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि पॉसिबिलिटीजे व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये पिछले कुछ लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं हो सकता है ये डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं हो सकता है इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा है डायरेक्टली हो सकता है कि ये व्यक्ति जान के आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है इसलिए आप बार बार इनके बारे में सोचने पे मजबूर होते हैं या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं बार बार आपके सपने देखते हैं आपको अपने आसपास देखते हैं जिसकी वजह से आप अनजाने में मैनिफेस्ट हो रहे हो यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है कि ये आपको लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है या आपको छोड़ना नहीं चाहते चाहे कुछ भी हो जाए इस वक्त इनके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर ये आपको कुछ भी हो जाए किसी भी इंसान के लिए नहीं छोड़ेंगे तो वो एक पावर और एक वो वाला लव जरूर दिख रहा है एक मिनट हाँ अभी हम लोग एक से ना। कुछ लव मैसेजेस देख रहे हैं आपके पार्टनर के यूनिवर्स मुझे बताए लव मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर के मेरा मन तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता है इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है मैंने आपको पहले ही बोला था ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में सबसे बात करता हूँ ये आपके बारे में सबको बताते हैं चुपके चुपके तो मैं देख लेता हूँ ये व्यक्ति आपको लंबे समय से स्टॉक कर रहे हैं स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है चेजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके बारे में बहुत लोगों से डिस्कस कर रहे हैं आप कैसे थे क्या थे आप इनके लिए कितने महत्व रखते हैं वो हर चीज़ इनको याद आती है प्लीज़ फ़कीर मी ये आपसे माफ़ी चाहते हैं ये चाहते हैं आप इन्हें माफ़ी दे दें और आप भूल जाएँ जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ उस चीज़ को रफा दफा करके आप इस रिश्ते को दोबारा एक नया मौका दें ठीक है एक सेकेंड गाइडेंस दें मेरे व्यवर्स के लिए गाइडेंस दें धुनी आपकी चिंताएं डर गुस्सा दर्द ईर्ष्या और आपकी बीमारियां इस धुनी में जला दें। यहां पर यूनिवर्स आपको रिस्क लेने के लिए, के लिए कह रहा है बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है यस तुम रिस्क ले सकते हो इस रिलेशनशिप में तुम दोबारा ट्रस्ट कर सकते हो इस रिश्ते पे यस इस इंसान पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि आपके मन में किसी तरीके की रेसलेसनेस है क्या ये रिश्ता मेरा हो पाएगा वापस तो आंसर है यस क्या ये इंसान बदल चुका है तो आंसर है यस क्या इस इंसान पर विश्वास करना सही रहेगा तो है आंसर यस तो यहां पर ओवरऑल आपको यूनिवर्स ने आंसर दिया है कि यस ये होगा ये पॉसिबल है अपने डर को अपने गुस्से और अपनी दर्द अपनी सारी तकलीफ़ों को अब मिट्टी में झोंक दो इस आग में झोंक दो और ये भूल जाओ कि कल क्या हुआ था अब इस बात पर विश्वास करने की खोज कि आज की जिंदगी में मेरे साथ जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा मैं बेस्ट डिजर्व करती हूं मैं बेस्ट डिजर्व करता हूं और मुझे बेस्ट ही मिलेगा इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर ले तभी आपके लिए जीवन में हर चीज जो नामुमकिन भी है वो मुमकिन में कन्वर्ट हो सकती है ठीक है सो so ये थी आप लोगों की रीडिंग अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ढेर सारा प्यार दें उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अभी के लिए इतना ही मैं चलती हूँ अपना ध्यान रखें उस रहें रहे टेक केयर ओम साइराम